प्रोडक्ट की हमने एपीआई बना ली थी, प्रोडक्ट को पोस्ट करने की, ठीक है। अभी ब्रेक के बाद आप लोग वापस आए हैं तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट करके मैंने क्या कर दिया, इस प्रोडक्ट को डेटाबेस में क्रिएट कर दिया। अच्छा, डेटाबेस में जब कोई भी डेटा आप एंटर करते हैं तो वो जो रिक्वेस्ट होती है वो एसिंक्रोनस होती है। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जाती है, आपके सर्वर से निकल के रिक्वेस्ट डेटाबेस के सर्वर पे जाती है और वहाँ से भी रिस्पॉन्स आता है जो कि सक्सेसफुल भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। तो आपको उसमें क्या करना होता है, आपको उसका डॉट देन पकड़ना होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो सेक्शन ये था उसको ये करवाया हुआ था पूरा, तो यहाँ पे से ये पूरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है, मोर और लेस वो सेम ही कोड है। अच्छा, इसमें मैंने वैलिडेशन नहीं करवाई थी ना सेक्शन ए वालों को, तो वो ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़ कि वैलिडेशन जो है वो इस तरह करवा सकते हैं। इस तरह की जो वैलिडेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड एपीआई। कि अगर कोई इस एपीआई पे गलत रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये एपीआई एरर के मैसेज के साथ पूरी गाइड के तौर पर आपको पूरा एक मैसेज भेजेगी कि इस एपीआई को चलाना कैसे, सही है। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पर ऐसे पोस्ट किया, तो डॉट क्रिएट और उसके अंदर का ये जो पार्ट था ना पूरा, इसको मैं अपने पास ले आता हूँ रीयूज करने के लिए, सही है। तो इसका जो मेरे पास डॉट देन का जो फंक्शन है, या उसको कॉल बैक कह लो आप, जो भी कह लो, इसमें मुझे या तो एरर मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ नॉट एरर, इसका मतलब है कि सेव हो गया, और रिस्पॉन्स का मैसेज भेजता हूँ कि योर प्रोडक्ट इज सेव्ड, ठीक है। एल्स अगर नॉट एरर के अलावा कुछ भी है तो इसका मतलब है कुछ एरर है, तो मैं कहता हूँ स्टेटस 500 के सर्वर की साइड से इशू हुआ, सेव नहीं कर पाया डेटाबेस में, और मैसेज भेज देता हूँ कि भाई सर्वर एरर, ठीक है। तो ये मेरी प्रोडक्ट की जो एपीआई थी वो क्या हो गई, वो बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब मैंने अगली एपीआई कौन सी बनानी है, प्रोडक्ट को गेट करने की एपीआई बनानी है ऑब्वियसली, तो आ जाते हैं यहाँ पर। ये सारी की सारी एपीआई यहाँ से मैं कॉपी करके ले आता हूँ और इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये टू डू के हिसाब से बनी हुई है, हमारे पास किस हिसाब से बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स के हिसाब से। एक्चुअली वो एक ही चीज़ है, टू डू में भी एक लाइन लिख के प्रेस करते हो डेटाबेस में जाती है वो, और प्रोडक्ट में तीन चार चीज़ें लिख के करते हो तो जाती है डेटाबेस में, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब गेट के अंदर देखो क्या लगा हुआ है, टू डू में जब एस लगा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि आप जो गेट कर रहे हो वो एक से ज़्यादा टू डू गेट कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि टू डू मॉडल, अब हमारे केस में क्या होगा, प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है, हमारे केस में प्रोडक्ट मॉडल, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बनाया हुआ है यहाँ पर मॉडल का नाम, प्रोडक्ट मॉडल बनाया हुआ। मैंने कहा प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, अच्छा फाइंड करते हुए मैंने क्या दिया है यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया है एज अ क्वेरी। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि तमाम ले आओ, सभी इससे मैच हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसमें ये भी कह सकता था कि भाई जिस प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या हो, बॉल हो, ठीक है, वो लेकर आओ। तो ऐसे केस में क्या होता कि दो या तीन प्रोडक्ट जिन जिन का नाम बॉल होता वो आ जाती इसमें। या मैं इसमें ये भी कह सकता था कि आपका जो प्राइस है वो क्या हो जाए, जिसकी प्राइस 300 है जिन प्रोडक्ट्स की, तो जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस एग्जैक्टली 300 है वो आ जाती। इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट 300 प्राइस कम है वो लेकर आ जाओ। अब जो आप सोच सकते हैं वो क्वेरी इसमें लग सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसमें क्या दे रहा हूँ, मैं इसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, जिसका मतलब है कि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हर आइटम से मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब है सब मंगवा रहा हूँ, ठीक है। तो एस लगा हुआ है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा वो चाहिए मुझे। अच्छा, इसका नाम भी मैं प्रोडक्ट्स करूँगा क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स की एपीआई है और गेट। अच्छा, आप ये नोट करें कि ऐप डॉट पोस्ट में भी प्रोडक्ट था, इसमें भी प्रोडक्ट है, एस लगा हुआ है लेकिन, ठीक है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये एस लगा रहा हूँ, ये किसके कहने पे लगा रहा हूँ, ये रेस्ट एपीआई के जो पांच प्रिंसिपल्स हैं उसके कहने पे लगा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है, वन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स। तो मैंने कहा प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड तमाम का तमाम डेटा, अगर एरर है या सक्सेस है, इसमें भी दो ही चीज़ें मुझे मिलेंगी। मैंने कहा इफ नॉट एरर, इसका मतलब है हेयर इज़ योर टू डू लिस्ट, और डेटा में डाल के मैंने वो पूरा का पूरा डेटा भेज दिया जो मुझे सर्वर से अभी डेटाबेस से मिला है, अदरवाइज 500, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या है, अच्छा सिंगल टू डू गेट करने वाला काम नहीं किया मैंने इसके अंदर, चलो सिंगल टू डू भी गेट करा लेते हैं ना। एक तो है कि भाई सारे टू डू गेट, सारे प्रोडक्ट्स गेट करके ले आओ, एक मुझे चाहिए होगा बगैर एस वाला भी,
सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए मुझे फिर क्या चाहिए होगा? कोई ना कोई आईडी, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो मैंने कहा स्लैश आईडी, ठीक है। अच्छा, ये स्लैश आईडी करके जो मुझे चीज़ मिली है, ये कहाँ से पकड़ में आएगी? ये पकड़ में आएगी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, ठीक है। ये आईडी लिखा है तो पैराम्स डॉट आईडी, अगर नेम होता तो पैराम्स डॉट नेम, ऐसे करके होता है। तो मैंने कहा कि भाई आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, ये आईडी को मैंने सेपरेट कर लिया। अब मैं जो क्वेरी चलाऊंगा यहाँ पे, वो क्या चलाऊंगा? मैं कहूँगा कि भाई अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स आईडी। अच्छा, ये मैंने अंडरस्कोर आईडी क्यों लिखा है? जब मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस में कोई भी डेटा जाता है तो वो अंडरस्कोर आईडी करके ना डेटाबेस खुद से उसको एक आईडी देता है। तो ये मैं उस वाले आईडी की बात कर रहा हूँ, और जब मैं गेट करता हूँ तो भी मुझे वो आईडी मिलती है। मैंने खुद से तो कोई आईडी दी नहीं है, तो मैंने कहा कि डेटाबेस पे जो आईडी असाइन हुई है ना डेटाबेस की तरफ से, वो वाली आईडी के ज़रिए सर्च करूँ, सही है। क्योंकि जब भी मैं मंगवाऊँगा ना तमाम डेटाबेस से तमाम प्रोडक्ट्स, तो वो आईडी उसके साथ में आती है, तो मुझे पता होगी कि वो आईडी कौन सी वाली है, ठीक है। या मैं नेम भी रख सकता हूँ इसकी जगह, या कोई भी और चीज़ रख सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। मतलब सिंगल प्रोडक्ट की कोई सिंगुलैरिटी जो भी होगी ना, जो भी सिंगल आइडेंटिटी होगी वो मैं लाऊंगा। अच्छा, अब की बार यहाँ पे मैं फाइंड नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा फाइंड वन। अच्छा, फाइंड और फाइंड वन में क्या डिफरेंस है? मुझे पता है कि एक आईडी पूरे डेटाबेस में यूनिक होगी, क्योंकि वो डेटाबेस ने असाइन की है ना खुद, तो पूरे डेटाबेस में यूनिक होती है। तो फाइंड क्या करता है, जैसे मैंने लिखा ना नेम इक्वल्स टू बॉल जिसका वो सब ले, तो वो शुरू से देखना शुरू करता है और आखिर तक जाता है। जितने भी प्रोडक्ट उसको मिलेंगे ना बॉल बॉल बॉल, वो सब लेकर आएगा। लेकिन मुझे पता है कि आईडी तो एक ही होगी, पूरे डेटाबेस में यूनिक होती है, तो एक जहां मिल गई तो बस वहां रुकना है। तो मैं इसमें लगाऊंगा फाइंड वन, ठीक है। फाइंड वन लगाने से क्या होगा कि जहां पे उसको वो मिल गया ना ये आइटम जो मैंने क्वेरी में लिखा है, तो बस पहला जैसे मिलेगा वहीं से वापस आ जाएगा, आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं फाइंड वन लगाऊंगा, ठीक है। डिपेंड ऑन योर केस, आपके केस में ये फाइंड भी हो सकता है, फाइंड वन भी हो सकता है। अच्छा, एक और आपके पास वो है, फाइंड जो है वो हमेशा आपको एरे लाके देता है। मतलब फाइंड में तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हमेशा आपको एरे लाके देगा। अगर जैसे अभी मैंने ये वाला मंगवाया ना प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, तो इसके जो डेटा में आपको क्या मिलेगा, हमेशा एरे मिलेगा। अच्छा, एरे मिलेगा, चाहे 10 प्रोडक्ट हो चाहे 10,000 प्रोडक्ट हो, वो एरे में लाके देगा। चाहे एक प्रोडक्ट हो तो भी एरे में लाके देगा, चाहे कुछ ना मिले तो भी एरे में लाके देगा, एम्प्टी एरे देगा, सही है। ये चीज़ गौर से समझना। तो मिसाल के तौर पर डेटाबेस में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मैंने कहा भाई प्रोडक्ट को गेट करो तमाम प्रोडक्ट को, तो ये डेटा में मुझे क्या मिलेगा, एरे मिलेगा, स्टिल एम्प्टी एरे मिलेगा। एक प्रोडक्ट होगी तो एरे होगा, एक प्रोडक्ट होगा दो होगी तो दो प्रोडक्ट होगा, जितना मिलेगा उतना लेकर आ जाएगा। अच्छा, इस केस में हमारे पास फाइंड वन वाले केस में इस डेटा के अंदर क्या मिलेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट एरे नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे कंडीशन भी डबल लगानी पड़ती है, कंडीशन भी मुझे क्या करनी पड़ती है, डबल लगानी पड़ती है। डबल कंडीशन ये लगानी पड़ती है कि नॉट एरर का मतलब एरर तो नहीं हुआ, लेकिन इस डेटा के अंदर या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो नल होगा, तो मुझे वो भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज फ्रंट एंड पे कोई हैंडल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ डेटा नॉट एरर भी और डेटा भी है अगर, तो क्या करो, तो ये वाला काम करो कि भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेयर इज योर टू डू। अगर डेटा नहीं है मतलब नल है, तो एल्स में क्या बोलो आप कि आपका जो आपने जो बात लिखी थी ना वो नॉट फाउंड हो गया, सही है। साथ में मैं क्या लगाऊंगा, स्टेटस 404, ठीक है, ठीक है। इस डेटा में या तो डेटा होगा या तो नल होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप जो भी हो भेज दें, फ्रंट एंड पे आप देख लो कि भाई डेटा आया है कि नल आया है, ठीक है। यहाँ से हैंडल करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने कहा 404 और मैंने कहा भाई प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है, हियर इज योर प्रोडक्ट, सही है। तो यहाँ पे मैंने बोला भाई यार ये आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने बोला प्रोडक्ट नॉट फाउंड और डेटा ऑब्वियसली फिर इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शनली एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हैं कि अगर डेटा नहीं हो तो स्टेटस यहीं से 404 करके भेजो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, पुट। पुट का मतलब ये है कि कोई एग्जिस्टिंग आपके पास रिसोर्स होती है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप पुट की रिक्वेस्ट करते हैं
अच्छा ये बाय द वे ये पुट और गेट जो है ना, ये भी REST API के प्रिंसिपल्स की वजह से मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं पोस्ट के रिक्वेस्ट में ये मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, हो जाएगा, मना नहीं करेगा आपको। मैं पूरी की पूरी ऐप गेट गेट करके बना दूँ, ऐप डॉट गेट, या गेट के अंदर बॉडी डाल के भेज दूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप गेट की रिक्वेस्ट में बॉडी डाल के भेजेंगे, चला जाएगा, मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना कि भाई गेट के लिए गेट बना रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट है तो बगैर एस वाला, एक से ज़्यादा है तो एस के साथ, फिर एडिट के लिए मैं पुट बना रहा हूँ। ये मैं कौन किसकी वजह से कर रहा हूँ, ये REST API के प्रिंसिपल्स की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है, और HTTP का प्रोटोकॉल है उसकी वजह से कर रहा हूँ। वरना कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि काम नहीं करेगा, पुट के अलावा मैं किसी और में भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो वेल मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट का, और उसके आगे ID, कि जाहिर है किसी एक को एडिट करना है तो उसकी ID हो कि कौन से वाले को करना है। और मैंने उसके बाद क्या कहा, बॉडी में मुझे वो भी तो चाहिए कि अब एडिट करके अब क्या करना है। तो मैंने कहा कि भाई const body equals to request dot body, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्या रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ कि टू डू मॉडल नहीं हमारे पास, अब प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाई ID एंड अपडेट, सही है, फाइंड बाई ID एंड अपडेट। अच्छा ये फाइंड बाई ID एंड अपडेट यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉट फाइंड वन, और वहाँ लगा दिया मैंने फाइंड, ये आपको कहाँ से मिलेगा कि और कौन कौन सा हो सकता है, ये आपको जाना पड़ेगा मोंगोज में और गाइड में, और यहाँ पे होगा क्वेरीज, ठीक है। ये देख रहे हो कहाँ गया हूँ मैं, ये मोंगो में गाइड ये खुला हुआ है ना, डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई है मोंगोज की, मोंगोज की एक लाइब्रेरी है राइट, जो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, मोंगोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, तो हम फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरीज में जब जाओगे ना आप, तो यहाँ पे वो सारी क्वेरीज लिखी हुई हैं कि जो जो आप लगा सकते हो। हमने कौन सा यूज़ कर लिया, फाइंड, ठीक है, फाइंड पे क्लिक करूँगा मैं तो ये क्या हुआ, इसको फाइंड पे क्लिक नहीं हो रहा, अबे ले भाई, फाइंड वन पे चलते हैं, अबे NPM से डिलीट कर दिया। वेल वो इसी स्क्रॉल करता है, वो स्क्रॉल का वो था असल में, तो हम स्क्रॉल करके हाथ से चले जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है। अबे नहीं यार, ये क्या भंड मारा है उन्होंने, वेल अभी इनके डॉक्यूमेंटेशन का कोई एरर है। इस पे बहरहाल क्वेरी पे क्लिक करने से ना वो क्या करता है, वो आपको एक स्क्रॉल करके कहीं लेके जाता है, जो आपको क्या बताएगा, फाइंड डॉट फाइंड को लगाने के मुख्तलिफ तरीके बताएगा, उसकी कुछ एग्जांपल्स बताएगा, फिर उसमें उस मतलब वो कैसे यूनिक है, जैसे फाइंड वन कैसे डिफरेंट है बाकी फाइंड वाले से। तो हमारे पास फाइंड बाई ID है, फाइंड बाई ID एंड डिलीट है, फाइंड बाई ID एंड रिमूव है, फाइंड बाई ID एंड अपडेट है। तो हम इस वक्त कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं, फाइंड बाई ID एंड अपडेट। और इसके अंदर मुझे क्या देना होता है, देखो अगर मैं इसमें हाथ रखूँगा ना तो ये मुझे बता रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स में भी बताएगा, फाइंड बाई ID एंड अपडेट में क्लिक करूँगा तो अभी खुल नहीं रहा वो, यहाँ पे भी बता रहा होता है वो कि उसमें पैरामीटर्स कौन कौन से पास करने हैं, ठीक है। वेल इस पे मैं हाथ रखता हूँ तो देखो मुझे ये क्या बता रहा है, मुझे ये कह रहा है कि तो बड़ा ही मुश्किल सा बताया इसने, वेल सबसे पहले पैरामीटर में मुझे उसको ID देनी होती है। अब वो वैलिडेशन में ना यहाँ पे सही तरह ये बता नहीं रहा, वरना मैं यहाँ से समझा देता आपको, तो वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे जो देखो ये गोल सिग्नेचर है, कॉल सिग्नेचर है राइट, तो सबसे पहला पैरामीटर मुझे वो ID देनी पड़ती है। कौन सी ID, डेटाबेस की अंडरस्कोर ID। अगर आपके खुद की कोई ID है ना उस पर ये काम नहीं करता, सही है, खुद की कोई ID है तो फिर फाइंड वन एंड डिलीट करना पड़ता है आपको। अच्छा उसके बाद क्या चीज़ आपको देनी पड़ती है, उसके बाद वो डेटा देना पड़ता है जो आपने अपडेट करवाना है। अच्छा मिसाल के तौर पर हमारे केस में इस वक्त क्या है, चार चीज़ें हैं ना हमारे केस में, नेम, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन है, चार चीज़ें। तो मैं यहाँ पर अगर सिर्फ एक दूंगा ना तो सिर्फ एक को अपडेट करेगा,
इस आईडी से वो प्रोडक्ट तलाश करेगा, और तलाश करके अगर मैंने सिर्फ नेम बोला हुआ है यहाँ पे, तो वो सिर्फ नेम को अपडेट करेगा, बाकियों को छोड़ देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हमने किया हुआ है, न्यू ट्रू। न्यू ट्रू ये है ऑप्शंस। न्यू ट्रू करने से क्या होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, इसका जो डेटा करके रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें अपडेट होने के बाद वाला स्टेट मुझे रिटर्न करेगा। सही है, दो स्टेट हो सकते हैं ना, एक तो अपडेट से पहले क्या था, वो अपडेट के बाद क्या था। तो अपडेट होने के बाद वाला मुझे यहाँ पे ला के देगा इस डेटा के अंदर, ठीक है। अगर ये न्यू ट्रू हटा दूंगा मैं, तो फिर वो पुराना वाला ला कर देगा। अच्छा, तो मुझे मेरे केस में यहाँ पे तीन चीज़ें, चार चीज़ें, और मुझे चारों एक साथ ही अपडेट करानी है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख दूंगा ला के, नेम लिख चुका हूँ, और प्राइस और कैटेगरी लिख दूंगा। और प्राइस और कैटेगरी मैंने लिख देना है, मैंने कहा बॉडी डॉट, सही है, यहाँ पे भी बॉडी डॉट, कॉमा नहीं लगाया, सही है। तो मैंने कहा भाई ये चारों चीज़ें अपडेट होंगी, और यहाँ पे शुरू में मैं वैलिडेशन भी लगाऊंगा कि मुझे चारों चीज़ें चाहिए भाई साहब। जैसे यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाई थी ना, इस वैलिडेशन को मैं इधर भी लेकर आ जाता हूँ, सही है। मैंने कहा भाई चारों में से कोई एक भी चीज़ मिस हो ना, भले अपडेट की रिक्वेस्ट, तो उसको यहीं से वापस भेजो, ठीक है। 400 बोल के यहाँ से वापस भेजो कि चारों चीज़ें चाहिए अपडेट करते हुए भी। सेट हो गया, समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, मुश्किल तो नहीं हो रही? हाँ अच्छा, सही है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। पुट की रिक्वेस्ट आई स्लैश प्रोडक्ट, और उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी, सही है। आईडी को मैं यहाँ पे आईडी को भी सेपरेट कर लेता हूँ ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आईडी है ये, आईडी कैसे मिलेगी मेरी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, सही है। नीचे जहाँ जहाँ पे आईडी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे भी मैं क्या दूंगा, आईडी दूंगा ऐसे करके, सही है, ऐसे आईडी दूंगा मैं। कहाँ पे आईडी इस्तेमाल हो रही है, इधर हो रही है ना, यहाँ पे मैं ऐसे आईडी दूंगा, मतलब ऊपर ही सेपरेट कर लिया ताकि मुझे पता हो गया यार यहाँ पे दो चीज़ें बॉडी से उठाता हूँ मैं, यानी रिक्वेस्ट की बॉडी से उठाता हूँ, ठीक है। ये अपडेट की क्वेरी है, मोर और लेस बॉयलर प्लेट कोड है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये जो ऊपर मैं क्वेरी लगाता रहा हूँ ना, ये मैं लगाता रहा हूँ कॉल बैक वाली, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके जो मैंने क्वेरी लगाई है ना, वो मैंने लगाई है एसिंक का वेट वाली, सही है। ये दोनों तरीके सही हैं, ये दोनों तरीके इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आपको दोनों का आइडिया हो जाए, ठीक है। अवेट हम पहले लगा चुके हैं एग्जियोस के टाइम पे, एग्जियोस से जब रिक्वेस्ट करते तो अवेट हमने यूज़ किया था ना उस टाइम, ठीक है। तो हाँ, एसिंक होना चाहिए, और एसिंक है ये ना, देखो एसिंक बनाया हुआ है इसको ऊपर वालों में, ये देखो एसिंक नहीं था ये वाला, ये फंक्शन, इसमें मैंने इस फंक्शन को एसिंक बनाया है, तो इसमें मैं अवेट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पे डॉट देन या कॉल बैक की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट वाला आइटम है ना, वो अवेट है, तो अवेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट देन की जगह पर, ठीक है। लेकिन अवेट जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको पूरा का पूरा ब्लॉक ट्राई कैच में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखें, ये पूरा का पूरा ब्लॉक मैंने किस में लिखा हुआ है, ये ट्राई में लिखा हुआ है। अगर इसके दौरान कोई भी एरर आ जाएगा, ठीक है, ये इतना ब्लॉक है ये यहाँ तक का, तो कैच में आके गिरेगा डायरेक्ट वो। और कैच में गिरते ही मैंने क्या बोला है, मैंने कहा भाई 500 लेके वापस भेज दो इसको, ठीक है। तो ये एक मुझे पर्सनली वैसे ट्राई कैच का सिंटैक्स पसंद नहीं आता, डॉट कैच डॉट देन डॉट कैच मुझे ज़्यादा पसंद है सिंटैक्स वाइज, ठीक है। लेकिन अभी नया वाला यही है, सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं, तो बस मजबूरी का नाम शुक्रिया, ठीक है। लेकिन पर्सनली मुझे ये ट्राई कैच का ना सिंटैक्स नहीं पसंद, कि पहले ट्राई लिखो, फिर वो ब्रैकेट लगाओ, फिर नीचे कैच, फिर ब्रैकेट, थोड़ा सा मतलब वियर्ड है इसका सिंटैक्स, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास अपडेट का सिंटैक्स आ गया पूरा का पूरा, इसको मैं ज़रूरी नहीं था कि मैं इसको मैं ट्राई कैच में लिखता, या ज़रूरी नहीं था इसको मैं एसिंक का वेट में लिखता, मैं सिंपल इसको कॉल बैक के तरीके से भी लिख सकता था जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिलीट, यहाँ पे कोई चीज़ चेंज तो नहीं करना रह गई, अच्छा ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है डिलीट, डिलीट प्रोडक्ट। अच्छा, डिलीट करने में भी मुझे क्या चाहिए, मुझे एस लगा दूंगा मैं तमाम को डिलीट करने वाला, ठीक है, या मैं डिलीट लगा दूंगा सिंगल को डिलीट करने वाला,
सही, डिलीट में भी ऐसा हो सकता है कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो डिलीट मैं नहीं करके मैंने इसमें क्या लगाया, एक ऐसा क्राइटेरिया लगाया जिसमें सारे प्रोडक्ट्स मैच हो जाएंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट डिलीट मैं नहीं, और मैंने क्राइटेरिया दिया एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मैंने कहा सब उसमें मैच हो जाएंगे, सबको डिलीट मारो, ऑल टू डूज हैज़ बिन डिलीटेड। सही, आमतौर पर वैसे डिलीट ऑल इस तरह होता नहीं है, लेकिन कर सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन यू, आपको अगर लगता है कि यार डिलीट ऑल मुझे देना चाहिए, इस एपीआई को मैं एक्सपोज नहीं करूँगा, सही है ना, ये एपीआई जस्ट मैंने बनाने दिखाने के लिए बनाई है, इसमें फ्रंट एंड में इसका ऑप्शन नहीं रखेंगे हम, ना इसको हम यूज़ करेंगे, सही है, डिलीट हमेशा एक एक करके ही कर रहे होते हैं हम नॉर्मली। अच्छा, एक बल्क डिलीट भी होता है, लेकिन बल्क डिलीट में वो चेक 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 करके 10-12 आप डिलीट करते हैं, ये नहीं कि 200 है तो पूरे डिलीट कर दिए, ईमेल वगैरह में आपने देखा होगा चेक 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 करते हैं 4 ईमेल और डिलीट का बटन दबाते हैं, तो बल्क डिलीट में फिर क्या होगा, फिर वो कैसे बनेगी रिक्वेस्ट, वो एस वाला ही डिलीट होगा, लेकिन उसमें बॉडी के अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, वो एरे चाहिए होगा पूरा कि कौन कौन सी आईडी है जिसको डिलीट करना है, और मैं उसको डिलीट करूँगा वो ऐसे फिर भी नहीं होगा जो अभी ये किया हुआ, ठीक है। तो डिलीट मेन्यू को मैं क्या दे सकता हूँ, मैं आईडी की एक लिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो बल्क डिलीट कहलाएगा फिर हमारा। अच्छा, फिर एक है सिंगल डिलीट, सिंगल डिलीट में कैसे होगा, प्रोडक्ट्स एस नहीं होगा इसमें, ठीक है, स्लैश आईडी, अब आईडी को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया, मैंने कहा कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, सही है, और बस आईडी चाहिए मुझे डिलीट करने के लिए। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा डिलीट वन, डिलीट वन में और डिलीट मैनी में क्या डिफरेंस है, डिलीट मैनी जो है वो आखिर तक जाएगा, डिलीट वन जहाँ क्राइटेरिया मैच हो गया ना एक का, तो बस उसको डिलीट करके वापस आ जाएगा, आखिर तक नहीं जाएगा, ठीक है। डिलीट मैनी पे हम एक क्राइटेरिया देते हैं, वो क्राइटेरिया आखिरी एंट्री तक वो चेक करेगा जाके, तो मुझे पता है कि यार आईडी से डिलीट कर रहा हूँ, आईडी यूनिक होगी थ्रू आउट द डेटाबेस, तो अगर एक दफ़ा मिल गई तो दोबारा वो मिलेगी नहीं, दोबारा मिलने का कोई चांस ही नहीं है, एक बार अगर मिल गई तो मैंने कहा डिलीट वन, और इसके अंदर मुझे एरर या तो डिलीटेड डेटा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। डिलीटेड डेटा को मैंने यहाँ पे कॉन्सोल करवाया, यहाँ पे कॉन्सोल हो जाएगा वो डेटा जो अभी डिलीट हो चुका है, और अच्छा, इस डिलीटेड डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ होता है कि कितने आइटम अफेक्टेड हुए इससे, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, अभी हम उसको चला कर देखेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें क्या चेक लगाया हुआ है, मैंने कहा इफ़ नॉट एरर, मतलब सक्सेसफुल कुछ हुआ है, अच्छा, और डेटा जो डिलीटेड डेटा है ना डॉट डिलीट काउंट, कि कितने डॉक्यूमेंट इसने डिलीट किए हैं, ये जो मैंने इसको क्राइटेरिया बताया था, इस क्राइटेरिया में कितने डॉक्यूमेंट इसकी जद में आए हैं। अच्छा, क्योंकि अगर ये आईडी इसको नहीं भी मिलती है तो ये फिर भी सक्सेसफुल ही रिस्पॉन्स करेगा, मुझे बोलेगा ये सक्सेसफुल है, मतलब ओके, लेकिन डिलीट काउंट ज़ीरो आएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई डिलीट काउंट अगर ज़ीरो नहीं है, पॉजिटिव नंबर है कोई, तो मैं कहूँगा कि भाई प्रोडक्ट हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर डिलीट काउंट ज़ीरो है तो मैं बोलूँगा कि यार नो प्रोडक्ट फाउंड विथ आईडी, और आगे मैंने आईडी लगा कर भेज दी है कि भाई ये जो आपने आईडी भेजी थी ना, इस आईडी से कोई प्रोडक्ट नहीं मौजूद है डेटाबेस के अंदर, सही है। तो ये मैंने डिलीट वन को सही कर दिया, बस आगे तो ये वेदर वाला है, तो ये हमारा क्रड ऑपरेशन जो है ना, ये एपीआई इसकी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या बनाना है, इसका फ्रंट एंड बनाना है, सही है। इस कोड को मैं पुश कर देता हूँ, एपीआई कंप्लीटेड, और फ्रंट एंड में जाके क्या बनाना है, अब मैंने एक अदद फॉर्म बना देना है, ठीक है। अब डेटाबेस में डेटा जाएगा तो उसको हमें फिर देखेंगे हम कि किस तरह से वो अंदर शो हो रहा होता है डेटा में, इसको हम कैसे रन करेंगे, ठीक है। मेरा डेटाबेस चल रहा है, सॉरी मेरा सर्वर रन हो रहा है, सर्वर को हमने ऐसा बनाया था कि अगर उस पर क्या हो, अगर स्लैश की रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या भेजेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज उठा के भेजेगा, सही है। तो इसका मतलब है कि मैं लोकल होस्ट यहाँ पे लिखूँगा जब 5001 है ना, और एंटर करूँगा तो मेरे पास ये पेज खुल जाएगा यहाँ पे, सही है। इस पेज पे अभी उस तरह का डेटा नहीं बना हुआ जैसा मुझे चाहिए, तो मुझे कैसा डेटा चाहिए मैं वैसा बना लेता हूँ। मुझे जो फॉर्म चाहिए उसके अंदर मुझे चाहिए नेम, ठीक है, उसके बाद चाहिए एक बीआर, और नेम के बाद मुझे क्या चाहिए,
एक्चुअल में चार चीज़ें चाहिए मुझे, सही है, प्राइस और डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं चौथा क्या है, कैटेगरी। सबसे पहले क्या है, नेम प्राइस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, नेम प्राइस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और जो इसके नाम है वो इनकी आईडी रख देता हूँ मैं, मैंने कहा नेम प्राइस कैट और डिस्क्रिप्शन, सही है, वही मैंने इसके नाम रख दिए हैं। चारों की जो टाइप है वो टेक्स्ट है, प्राइस का मैं कर देता हूँ कि भाई नंबर है ये, ठीक है, नंबर में लिखने में आसानी होगी, ओके। और सबमिट के अंदर मैं कर देता हूँ इसमें ऐड प्रोडक्ट, सही है। और रिज़ल्ट का एक मेरे पास डिव बना हुआ है, इसमें मे भी कुछ रिज़ल्ट वगैरह मुझे दिखाना हो तो मैं इसमें दिखा दूंगा वो। एक्सियोस मेरे पास लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, ऑन सबमिट के ऊपर गेट वेदर का फंक्शन चलता है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऐड प्रोडक्ट, क्योंकि फंक्शन का नाम रेलिवेंट होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे नाम इसका रेलिवेंट कर दिया। अब यहाँ जाके ज़रा इसका मैं गेट वेदर को चेंज कर देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट, और मुझे चार यहाँ पर नाम गेट करने हैं, क्या है वो चारों, नेम प्राइस और कैट और डिस्क्रिप्शन, सही है। मैंने कहा भाई नेम नेम और प्राइस कैट और डिस्क्रिप्शन, तो ये चारों मैंने वैल्यू यहाँ पे उठा ली शुरू में। उसके बाद मैंने क्या करना है, बेस यूआरएल मेरा वो सेट है, ऊपर कंडीशनल मैंने बनाया था लास्ट क्लास में कि भाई वो लोकल होस्ट 5001 पे भेजे, और एक साइक्लिक वाला भी है, लेकिन वो जब चलेगा जब यूआरएल में https होगा, और ये साइक्लिक जाहिर है वो पुराना वाला डिलीट भी कर चुका हूँ, तो अब जब भी मैं साइक्लिक पे अपलोड करूँगा तो ये यूआरएल मुझे नया वाला डालना होगा। अच्छा, ऐप डॉट गेट तो नहीं होगा, पोस्ट होगा, ठीक है, एक्सियोस के अंदर डॉट पोस्ट करूँगा मैं तो वो पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाता है। और मैंने साथ में क्या करना है, URL तो दे दिया, लेकिन URL पर कॉमा डाल के मुझे यहाँ पे बॉडी भी देनी पड़ेगी इसकी, सही है, बॉडी भी देनी पड़ेगी मुझे। और बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूँगा, हाँ स्लैश प्रोडक्ट होगा, सही है, स्लैश प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैंने अब क्या लिखना है, वो बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें मुझे दे के भेजनी है ना वो मैंने यहाँ लिखना है। तो बॉडी में मैंने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है, ये चार चीज़ें एक्सपेक्ट की हुई है ना, कहाँ गया वो वैलिडेशन मेरा, ये चार चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बॉडी के अंदर होंगी, तो मैं ये चारों चीज़ें इसको भेजता हूँ यहाँ से। तो क्या हो रहा है, कंट्रोल सी, तो मैंने कहा भाई ये चार चीज़ें होंगी बॉडी के अंदर, ठीक है, और इन चारों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू मैं दे के भेजूँगा। तो मैंने कहा कि भाई क्या होगा, ये यही चारों ही होंगे, और कैट और डिस्क, कॉमा नहीं डाला हुआ था मैंने इसलिए आ रहा था, सही है। मैंने एक्सियोस की रिक्वेस्ट बना दी पोस्ट की, और फ्रंट एंड में जो भी फॉर्म पे बंदे ने लिखा था चारों आइटम वो मैंने क्या कर दिए, वो यहाँ पे रख के भेज दिया। देन पे मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स का जो भी डेटा होगा वो मैंने कहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, वो मैंने रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। क्या डिस्प्ले करवाऊंगा मैं रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर मैं डिस्प्ले ये करवाऊंगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, राइट, वहाँ मैं मैसेज करके भेजता हूँ ना रिस्पॉन्स, यहाँ से मैंने क्या भेजा हुआ है, मैसेज करके भेजा हुआ है, राइट। तो जो भी मैसेज मुझे सर्वर से मिलेगा वो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि भाई योर प्रोडक्ट इज सेव्ड इस तरह करके लिखा हुआ आना चाहिए, राइट। तो मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, और उसमें ये मैसेज आप डिस्प्ले करवा दो कि भाई प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। और मैं क्या करता हूँ, एरर पे भी जाके मैं यही काम करता हूँ सेम, ठीक है। मैंने कहा भाई एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज, कि अगर 404 वगैरह इस तरह की कोई चीज़ भेजी ना मैंने तो ये एरर चलता है फिर उस पर, तो मैंने कहा भाई एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज वो डिस्प्ले करवा दो। तो चलते हैं ज़रा इसको हम चला कर देखते हैं, सही है, मेरे पास फॉर्म खुल चुका है, और फॉर्म खुलने के बाद मैं कॉन्सोल भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई प्रोडक्ट का नाम है बॉल और प्राइस है उसकी
3000 कैटेगरी उसकी है स्पोर्ट्स, सही है, और डिस्क्रिप्शन है नो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट क्या हुआ है, 500 इंटरनल एरर, ऐसा क्या कर दिया भाई। अब देखो यहाँ पे ना एरर का मैसेज मैं देख रहा हूँ, रिक इज़ नॉट डिफाइंड, आर ई क्यू इज़ नॉट डिफाइंड, सर्वर का एरर आया है कि आर ई क्यू करके जो मैं कोई चीज़ एक्सेस कर रहा हूँ वो मिल नहीं रही। ओके गॉट इट, मैंने यहाँ पे ना रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखना ही भूल गया हूँ, सही है, जो कि रिक्वायर्ड होता है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, सही है। तो मैं ज़रा सर्वर की अपनी गलती को सुधारने के बाद दोबारा ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन पे मैसेज आ गया, योर प्रोडक्ट इज़ सेव्ड। अब डेटाबेस में मैंने उसको जाकर देखना तो मैं कैसे देखूँगा, मैं डेटाबेस में चला गया, मैं ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, राइट, ब्राउज कलेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स के नाम से मेरे पास कलेक्शन आ रही है और उसमें अभी अभी जो मैंने प्रोडक्ट ऐड की थी वो शो हो रही है, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो अच्छे से कि ये यहाँ पर बार बार आना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। यहाँ ये वेब एप्लीकेशन है, ये पेज रिफ्रेश होता है, टाइम लगाता है, सम टाइम स्टक हो जाता है, इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड Robo3D, सही है। इसका दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक पेड वर्जन है। तो आपने फ्री वर्जन इंस्टॉल करना है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी चलेगा कैसे इंस्टॉल होने के बाद ना। एक ही बात है वो, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं जाऊँगा, क्रिएट का बटन दबाऊँगा, क्रिएट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे देखो फ्रॉम SRV लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे मैंने वो MongoDB का URI पेस्ट करना है जो यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। पूरा URI मैंने कॉपी किया, राइट, URI कॉपी करके मैंने इधर ला के पेस्ट किया और फ्रॉम SRV का बटन दबाया। जैसे ही फ्रॉम SRV का बटन दबाया ना तो यहाँ गौर करना क्या होगा, ये सारी फील्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बस चल जा भाई, देख लो, हाँ फिल हो गई। फिल होने के बाद आपने क्या करना है, इसका नाम रख देना है माई कनेक्शन, सही है, ये नाम रख दिया मैंने, इससे सैलानी भी साथ में रख दिया मैंने, और सेव का बटन दबा दिया। सेव का बटन दबाने से क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे कनेक्शन बन के आ गया, मैं कनेक्ट का बटन दबाऊंगा, इस कनेक्शन से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अपना डेटाबेस यहीं से देख सकता हूँ, इंटरनेट मेरे पास है ना अगर, तो मैं यहीं से अपना डेटाबेस देख सकता हूँ, मुझे बार बार उस वेब एप्लीकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे किस इस तरह से दिख रहा है, कलेक्शंस, कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट, ठीक है, टू डू भी दिख रहा है जो मैंने इनको करवाया था, और उसके अंदर मेरे पास एक आइटम दिख रहा है इस तरह करके, ये आईडी खुद से दे रहा है, देखो अंडर स्कोर आईडी करके ये मुझे एक आईडी यहाँ पर दे रहा है, मतलब अंदर नहीं, ये तो डिस्प्ले इस तरह हुआ है ना, असल में ये सेव जो होता है ना वो तो इस तरह होता है, ये सेव असल में ये सेव इस तरह से होता है, ठीक है। वो तो आपको आपको टेबल बना के दिखा देगा, ये देखो टेबल बना के दिखा दिया, ठीक है, वो दिखाने का तरीका अलग अलग है लेकिन वो एक्चुअल में तो जैसा नहीं है। देखो क्रिएटेड ऑन में भी अभी का टाइम, अभी का डेट भी आ गया, या कोने में इसके ना तीन तरह के व्यू बने हुए, तो सबसे पहला ये है, दूसरा ये टेबल वाला है, तीसरा ये रॉ जेसन करके दिखाता है। ये प्रोडक्ट की कलेक्शन है, प्रोडक्ट्स की कलेक्शन है, और ये एक डॉक्यूमेंट है। सीक्वल अगर होता तो क्या होता उसमें, प्रोडक्ट्स के नाम से एक टेबल होती और उसके अंदर ये एक रो होती, इसके अंदर ये क्या है, रो नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है, और टेबल नहीं है, वो कलेक्शन है, काम एक ही है, नाम अलग है, सही है। अच्छा, अब मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आगे ऐड हो जाएगा, ये और क्या होगा, सही है। अब मुझे इस डैशबोर्ड पे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, इस डैशबोर्ड पे आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन इस डैशबोर्ड पे जब आओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आना क्यों मुनासिब नहीं है, ठीक है, टाइम बहुत ज़ाया करता है ये, तो इसको मैंने कर दिया बंद। अब ये ऐप होगी और डेटाबेस में देखूंगा, यहाँ से पूरी दुनिया में कहीं भी आपकी ऐप यूज़ हो रही है, डेटाबेस में डेटा एंटर हो रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करके और रिफ्रेश का बटन यहाँ पे कहीं होता है वो आपने दबाना होता है, सही है, रिफ्रेश का बटन भी दबा सकते हैं, और ये जो क्वेरी लिखी हुई है ना, ये क्वेरी भी दोबारा कंट्रोल एंटर करके आप रन कर सकते हैं। ये अभी तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, वो फ़ौरन आ जा रहा है, देखो लेकिन रिजल्ट चेंज हो रहा है, रिजल्ट कितनी देर में आया वो यहाँ बता रहा होता है ना, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करूँगा तो वो दोबारा चल के दोबारा डेटा ला रहा है, समझ रहे हो। तो अब देखो मैं जब दूसरा प्रोडक्ट ऐड करूँगा
यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई अब क्या कर देता हूँ मैं, बैट और इसकी प्राइस मैंने रखी 500 और ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाया ना जैसे ही, तो अब क्या होगा यहाँ पे मैं इस क्वेरी को दोबारा रन करूँगा। वो जो कह रहे थे ना तुम कि कोड से चलता है सीक्वल, देखो ये भी इसी तरह चल रहा है, इसका कोड लेकिन मुख्तलिफ है। तो अब मैं कंट्रोल एंटर जैसे ही करूँगा इसके ऊपर, वो देखो दूसरा भी लेकर आ गया, यानी ये क्वेरी दोबारा चली है। और यहाँ पे मैं क्वेरी लगा सकता हूँ बाकायदा, मैं बोलूँगा भाई नेम क्या हो, नेम अगर इक्वल्स टू हो बॉल के तो ही लेकर आओ। कंट्रोल एंटर नहीं लेकर आया कुछ भी, ये क्या बकवास है यार, नेम ही है ना उसका नाम, डॉट फाइंड नेम इक्वल्स टू बॉल का बी कैपिटल है, सही है, नेम बॉल हो तो वो लेकर आओ, तो ये देखो लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है तो स्मॉल बी में नहीं मिलेगा इसको कुछ, तो नहीं मिलाया। तो यहाँ पे भी मैं बकायदा क्वेरी लगा सकता हूँ, ये बना ही इसीलिए कि यहाँ पे मैं क्वेरी लगा के देख सकूँ। सीक्वल में भी यही होता है, अरे क्या हो गया, सही है। तो मैंने अभी ये ऐसे करके ओपन कर दिया, तो हमारी क्या हो गई, जो करंट ऑपरेशन में से एक काम हो गया हमारा जो है सी क्रिएट। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है गेट। अब गेट हमें कब करना है, जब हमारा पेज लोड होगा ऑब्वियसली। अभी 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 पहले पेज लोड होने पर डिस्प्ले तो करा दूँ मैं उसको, फिर पुश करने पे भी मैं अलग से करवा दूंगा। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा, क्या नाम रखूंगा उसका, मैं इसी का ही इसी की कॉपी बनाता हूँ मैं, और इसी की कॉपी बना के उसका नाम मैं रख देता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स, सही है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। और गेट ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर अब क्या होगा, फॉर्म से मैं कुछ भी नहीं उठा रहा हूँ, और एक्सियोस डॉट गेट की रिक्वेस्ट होगी, प्रोडक्ट में एस लगा होगा जिससे तमाम प्रोडक्ट है, बॉडी में कुछ डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं है मुझे इस बार। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या आ रहा होगा, कुछ डेटा आ रहा होगा, और वो डेटा मैंने रिजल्ट के खाने में डिस्प्ले नहीं करवाना है, बल्कि मैंने क्या करना है, एक अलग खाना बनाना है इसके लिए, एक अलग खाना बनाना है रिजल्ट के भी बाद, जिसका मैं नाम रखूँगा आईडी प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दूंगा, बल्कि इसको मैं प्रोडक्ट लिस्ट, ये मैंने इसकी आईडी रखी, मैंने इस के अंदर इसको डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो मैंने कहा कि यार प्रोडक्ट लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू क्या बताओ, H1 ऐसे, मुझे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में क्या मिला है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा एक्चुअली ना, क्योंकि मैं अंदर से भी डेटा करके भेजता हूँ। ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स में मुझे क्या मिला है, ये रहा ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा और डॉट डेटा, इस डेटा के अंदर मुझे क्या मिलेगा, जो डॉट फाइंड में मुझे क्या मिलता है, एरे मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, एरे मिलता है मुझे। ठीक है, तो ये डेटा मतलब एरे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा इज़ एक्चुअली अ एरे। तो अब एरे को जब मैंने डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूँगा, लूप चला के करवाऊँगा ना, ऐसे भी करवा दूँगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ जाएगा, एरे प्रिंट ही नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट मैप, मैप के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ईच प्रोडक्ट, सही है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट आई है तो ईच प्रोडक्ट जब भी चलेगा, और इंडेक्स, दो चीज़ें मुझे मिलती हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, दिस इज़ कॉल्ड नलिश ऑपरेटर, सही है, ये क्वेश्चन मार्क, मिसाल के तौर पे अगर रिस्पॉन्स के अंदर डेटा मौजूद ही ना हुआ, या रिस्पॉन्स डॉट डेटा में भी डेटा मौजूद ना हुआ, तो ये कोड मेरा ब्रेक नहीं होगा इस नलिश ऑपरेटर की वजह से। ठीक है, इस नलिश ऑपरेटर को अलग से पढ़ देना, ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग आजकल। अभी ईच प्रोडक्ट को जो मैंने क्या करना है, इसके अंदर डिस्प्ले करवाना है, सही है, कैसे होगा, ईच प्रोडक्ट डॉट नेम ऐसे ही होगा, सही है, यहाँ पे प्लस भी होगा ताकि पुराना वाला भी रहे और अभी वाला भी रहे। ठीक है, और मुझे ये लूप चलाने से पहले इसको एक बार एम्प्टी भी करवाना पड़ेगा,
लूप चलाने से पहले एक बार इसको एम्प्टी करवाना पड़ेगा ताकि वो सही है। शुरू में मैंने एम्प्टी करवा दिया, एम्प्टी करवाने के बाद लूप चलाया और मैं लूप चला के ईच प्रोडक्ट को, ईच प्रोडक्ट का नेम और क्या है, चार चीज़ें हैं ना इसके अंदर, और बाकी मैं पैराग्राफ में करवाऊँगा। नेम, प्राइस, हाँ भाई सही है। गेट क्या, नहीं डेटाबेस में तो पूरा लिखा हुआ है ना, डेटाबेस में बनाते हुए उन्होंने पूरा लिखा है। अच्छा तो अब ये गेट ऑल प्रोडक्ट का जो फंक्शन है ये मैं कब चलाऊंगा, मैं अपने HTML पे आऊंगा और मैं कहूंगा बॉडी डॉट ऑनलोड, और ऑनलोड पे मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा एक दफ़ा, सही है। जैसी मेरी बॉडी लोड होगी वो फंक्शन चल जाना चाहिए, ये सारी प्रोडक्ट नीचे डिस्प्ले होगी, सही है। थोड़ा सा इसमें CSS भी दे देते हैं कोशिश करके, और वो CSS हम क्या देते हैं, मैं देता हूँ क्लास और प्रोडक्ट लिस्ट ही कर देता हूँ इसकी क्लास का नाम, सही है। और यहाँ पे एक CSS का स्टाइल बना लेता हूँ, एक मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो div है उसको क्या कर दो, ऐसा ही है ना, डॉट div है ना इसके अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर नहीं, div नहीं है, एक काम करते हैं ना div बनाते हैं वरना हम उसको स्टाइल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे इसको ना हमें एक div देना पड़ेगा वरना हम इसको क्या कर पाएंगे, स्टाइल नहीं दे पाएंगे उसको। मुझे असल में इसके क्या बनाना है, मुझे इसको थोड़ा कार्ड टाइप का लुक देना है इसको, मतलब बॉर्डर शॉर्टर देना है थोड़ा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो डिव है उसको क्या कर दो आप, उसको आप बॉर्डर दे दो, सही है, 1 pixel सॉलिड और ब्लैक दे दो आप, सही है। पैडिंग दे दो इसको 10 pixel और मार्जिन भी इसको इतना ही दे दो, मार्जिन भी इसको दे दो 10 pixel, बॉर्डर रेडियस दे दो इसको 15 pixel, सही है। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह का बना हुआ नज़र आएगा, सही हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो वो फ़ौरन मुझे नज़र आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए मुझे बहुत ही सिंपल काम करना है, बहुत ही सिंपल काम मुझे ये करना है इसके लिए कि जो गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन है ना ये मैं कहाँ पे कॉल करवा दूँगा, जब मैं इसको पोस्ट करता हूँ, सही है, जब ऐड अ प्रोडक्ट करता हूँ तो ऐड अ प्रोडक्ट जब सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे कॉल करवा दूँगा, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ से डेटा ऐड करूँगा वो सक्सेसफुली ऐड हो गया, उसके बाद थोड़ी देर में ये खुद ही गेट ऑल प्रोडक्ट कॉल हो जाएगा, तो आपको लगेगा जो अभी मैंने ऐड किया था वो सामने डिस्प्ले भी हो गया, सही है। रिफ़्रेश करते हैं इसको और इसके अंदर एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, दैट इज़ क्या ऐड करते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड प्राइस 500, कैटेगरी कंप्यूटर्स और डिस्क्रिप्शन नो डिस्क्रिप्शन ऐड। वह क्या हुआ, इसको एरर हो गया, अच्छा एंटर सही प्रेस नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये देखो कीबोर्ड यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गया, अच्छा ये डबल डबल हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था कि डबल डबल हो जाए, बट ये पता नहीं क्यों डबल डबल हुआ। बॉल बैट कीबोर्ड है ना, अभी कुछ और ऐड करके देखते हैं कि वो कहीं डबल डबल तो नहीं हो रहा। बॉल बैट कीबोर्ड, बॉल बैट कीबोर्ड डबल डबल है, आ जाते हैं देख लेते हैं इसको क्या लॉजिक लगाई है हमने। गेट ऑल प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको खाली भी तो करवाया, अरे खाली में भी प्लस लगाया हुआ है मैंने, सही है सही है, जब ही तो मसला कर रहे हो, सही है। अब मैं इसमें कुछ और डालता हूँ, मैंने कहा मॉनिटर, एंटर, सही है। तो अब की बार इसने डबल नहीं किया, सही हो गया।
ठीक है, तो हमारे करंट ऑपरेशन में से क्या क्या चीज़ें हो गई है, क्रिएट हो गया और रीड हो गया, अभी क्या क्या रह गया, एडिट और डिलीट रह गया, तो डिलीट कर लेते हैं जल्दी से अभी। अच्छा, डिलीट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, अच्छा यहाँ हम डेटाबेस में देख भी लेते हैं, कैसे देखेंगे डेटाबेस में, यहाँ पे जाके हम इसको राइट क्लिक करके ना, पता नहीं रिफ्रेश यहाँ आ रहा होता है क्यों नहीं आ रहा, ये रहा रिफ्रेश आ रहा है। वेल इसको बंद करके यहाँ पे से दोबारा भी डबल क्लिक करोगे ना प्रोडक्ट्स पे, तो वो नए सिरे से उसको फैच करके लाता है, तो देखो सारी प्रोडक्ट्स आ गई मेरे पास, और अगर मैं इसका व्यू चेंज करूँ तो ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। तीन तरह के व्यू हैं, टेबल वाला व्यू शायद थोड़ा बेहतर है, इसमें डेटा फौरन दिखता है सामने, लेकिन आपको जो व्यू पसंद है वो आप करके देख सकते हैं। तो बैट बॉल कीबोर्ड और मॉनिटर सब यहाँ पे ऐड हो चुका है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हर कार्ड में एक डिलीट का बटन चाहिए, जिसको मैं प्रेस करूँ तो डिलीट हो जाए, जिसको मैं प्रेस करूँ तो एक API पे रिक्वेस्ट लगे, डिलीट की रिक्वेस्ट और उसके साथ उसकी ID भी जाए, राइट, ऐसा ही कहिए मुझे। तो पहले तो मैं इस कार्ड के साथ एक डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ। मैंने कहा कि यार बटन और डिलीट बटन, सही है, तो ये डिलीट का बटन हमारे पास बना हुआ आ गया। अब इस डिलीट के बटन के ऑन क्लिक पे क्या करवाना है, मैंने ऑन क्लिक पे मैंने ये करवाना है इसके के ईच प्रोडक्ट डॉट क्या, ईच प्रोडक्ट डॉट क्या, ईच प्रोडक्ट के साथ मुझे कुछ मिलता है ना, अंडर स्कोर ID मिलती है ना बच्चा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई अच्छा एक फंक्शन भी तो मुझे बनाना होगा ना, डिलीट प्रोडक्ट, जैसे ये ऐड प्रोडक्ट गेट ऑल, ऐसे डिलीट प्रोडक्ट एक बनाना होगा जो कि बना हुआ नहीं है। मैंने कहा डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन होगा, सही है, और उसमें क्या होगा, ऐसे करके बीच में उसमें ID जा रही होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ आ रहा है कैसे हो रहा है ये। मैंने कहा इसके क्लिक पे ना ये फंक्शन कॉल करो और इस ID के साथ कॉल करो, जो भी इसकी ID है वो वाले के साथ कॉल करो, ठीक है। अब हम जाते हैं एक ज़रा फंक्शन बना लेते हैं हम वाई यू आर सो वरीड, सही है, तो मैंने क्या नाम रखा है, डिलीट प्रोडक्ट नाम रखा है इसका, तो मैं एक फंक्शन अब बनाता हूँ डिलीट प्रोडक्ट के नाम से, अच्छा डिलीट प्रोडक्ट में भी सिंपल क्या काम हो रहा होगा, जो गेट में हो रहा है वही काम हो रहा होगा एक्चुअली, पता नहीं ऑटोमेटिक तो नहीं दे रहा, अच्छा अच्छा वो ये टैब 9 करके एक चीज़ डली हुई है, लेकिन ये बहुत ही वाहियात है भाई, ये बहुत ही वाहियात है, हाँ जो वो था ना Copilot GitHub का, वो अच्छा था लेकिन उन अभी लगी ना बद्दुआ उनको भी, लेकिन अभी पता नहीं 10-12 मिलियन का किसी ने उस पर सू कर दिया है अच्छा हुआ अगर $10 लगा दिए यार बिला वजह के, मज़ा आता था उसमें कोड लिखने में, ऐसे 2 लाइन लिखो पूरा कर देता था, ऐसा सलंग सलंग कोड लिखाता था, लेकिन खैर हो गई, अभी आएंगे उसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे अभी, क्योंकि GPT-3 तो कोई वो थोड़ी है, हाँ ChatGPT मैंने अभी तक देखा नहीं है वो करता क्या है, लेकिन मतलब बनाओ यार तुम में से कोई GPT-3 की API तो है ना, बनाओ यार Copilot कोई अभी मतलब, या फिर किसी दिन मैं ही बैठूँगा खुद ही, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, इतना मज़ा आ रहा था उसमें, उन्होंने पैसे लगा दिए। अच्छा तो डिलीट प्रोडक्ट के अंदर मुझे क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे इस जगह पे मुझे ID मिल रही होगी, राइट, और वो ID मैंने कहाँ भेजनी है, axios.delete और /product/ वो ID, ठीक हो गया, और बॉडी वॉडी में कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट की रिक्वेस्ट है। अगर देन में मुझे क्या मिलता है, रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल मिलता है तो मैं क्या रिजल्ट में क्या डिस्प्ले करवा दूंगा, जो भी मैसेज आया है वो डिस्प्ले करवा दूंगा, और गेट ऑल प्रोडक्ट भी मुझे करना होगा, इसलिए करना होगा वो कि डिलीट हुआ है तो वो दोबारा गेट करें तो वो गायब हो जाएगी प्रोडक्ट वहाँ से, ठीक है, अगर कैच भी आता है तो वो एरर का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट प्रोडक्ट की API बन के तैयार हो गई,
आ जाते हैं ज़रा इसको अब यूज़ करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने और बॉल के ऊपर मैंने डिलीट की रिक्वेस्ट लगाई तो ये क्या हुआ, एरर आ गया। ज़रा अभी अपने नेटवर्क में जाके हम देख लेते हैं कि इसने रिक्वेस्ट की क्या है। रिक्वेस्ट तो बिल्कुल सही गई है यहाँ से ना, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बाद उसकी आईडी, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल सही गई है यहाँ से। अब सर्वर पे क्या गड़बड़ हुई है वो देख लेते हैं। टू डू मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, टू डू मॉडल उसमें अपडेट करना भूल गया हूँ। तो चलते हैं जी पुट वाले पे हम, ये है हमारा पुट। अच्छा डिलीट वाले पे ना, हाँ डिलीट वन वाले पे। तो ये टू डू मॉडल ही लगा हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट मॉडल कर दिया इसको मैंने, तो अब मेरे ख्याल ये सही हो जाना चाहिए। आते हैं अगर आप इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, सब चीज़ें क्लियर करते हैं और बॉल को मैंने डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया और आपके सामने से गायब भी हो गया क्योंकि गेट ऑल प्रोडक्ट चल रहा है। इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी और इसको भी, तो सारी प्रोडक्ट उड़ा दी मैंने। सही है भाई। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है आपकी, वो क्या रह गई है, अपडेट रह गई है। अब अपडेट तो खुद से कर लोगे तुम लोग, नहीं खुद से करना ही पड़ेगा, अभी इतना मैंने बता दिया तो अपडेट तो खुद से कर लोगे ना। अब अपडेट में तुम्हें बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, पुट की रिक्वेस्ट है, उसी तरह आईडी आ रही है यहाँ पर, लेकिन आईडी के साथ साथ क्या आ रहा है, वो चारों जो जो पोस्ट करते हुए जो चारों चीज़ें थी ना वो भी आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तुमने अब एक एडिट का बटन दबाना है और एडिट के बटन पर कोई फॉर्म खुलवा दो, सही है, या पॉपअप खुलवा दो, या उसी के नीचे एक फॉर्म विजिबल करवा दो, या उसी कार्ड के अंदर एक फॉर्म विजिबल करवा दो जो कि शुरू में हिडन हो, बटन एडिट का बटन दबाते ही वो विजिबल हो जाए और उसमें आप लिखो कुछ और लिख के अपडेट का बटन दबाओ तो ये रिक्वेस्ट लग जाए आईडी और तमाम पैरामीटर्स के साथ, तो वो अपडेट हो जाएगा, आपको रिस्पांस मिलेगा, वो आपने सिंपल डिस्प्ले करवा देना है कि हाँ भाई ये हो गया। ठीक है, तो ये कोड मैं पुश कर देता हूँ, ये कोड मैंने पुश कर दिया और अभी आप लोगों के पास एक घंटा है तो अभी आपने ये काम करना है बैठ के, पहले तो जितना मैंने करवा दिया वो करो बैठ के अभी और उसके बाद अपडेट वाला यहाँ से करके जाओगे। सही है, एक घंटा ही आपने प्रैक्टिस करनी है, एक घंटे में। ये कोड मैंने पुश कर दिया है गिटहब में तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और जो हमारे रिकॉर्डिंग के दो हाफ़ थे ना तो पहला वाला हाफ़ भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको 5-10 मिनट में शायद अवेलेबल हो जाएगा।